subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. चलिए दोस्तों अगला गीत आराधना फिल्म से एचडी बर्मन जी का संगीत। इस गीत के बारे में दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस गीत की जब रिहर्सल शुरू थी तो भानु गुप्ता जी ने गिटार पर एक चीज बजाई थी जो चीज एचडी बर्मन दा को बहुत पसंद आई, पर जब रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो एचडी बर्मन जी ने कुछ दूसरे गिटारिस्ट को बुलाया था और उस रिकॉर्डिंग के वक्त भानु गुप्ता जी जो पंचम दा के पसंदीदा गिटारिस्ट थे वो माउथ ऑर्गन बजा रहे थे और दूसरा जो गिटारिस्ट था उसको वो गीत की जो स्पीड थी लय थी वो पकड़ने में कुछ तकलीफ हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद एचडी दा ने कहा आज यहीं पर हम रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं और पूरा यूनिट जो है शूटिंग के लिए दार्जिलिंग के लिए निकला था तो पंचम दा वहाँ मौजूद थे। पंचम दा ने भानु गुप्ता जी से कहा जाओ गिटार लेकर आओ और पंचम दा ने माउथ ऑर्गन बजाया और फिर दोस्तों वो रिहर्सल हुई और हम जो इस गीत में सुनते हैं वो भानु दा ने भानु गुप्ता ने गिटारिस्ट पे बजाया हुआ रिहर्सल पे वक्त बजाई हुई चीज और पंचम दा ने बजाया हुआ माउथ ऑर्गन। चलिए दोस्तों अगला गीत सुभाष पाटोड़े। प्यार की गलिया बागों की गलिया सब रंग रलिया पूछ रही है। प्यार की गलिया बागों की गलिया सब रंग रलिया पूछ रही है कि तू पनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई हुकूमत रानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत बच आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मत रानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मत रानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया चलिया।
बहुत बढ़िया सुभा जी, सपनों की रानी आई है, यहाँ पर मौजूद है। अभी तक तो नहीं आई, वही ढूंढ रहा था मैं। ओके, वो 350 किलोमीटर पे बाकी है अभी वो आने के लिए। ओके, क्या बात है, बहुत उनकी उम्र देखते हुए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार जोरदार तालियां उनसे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार रंगमंच पर बुलाना चाहूंगा वॉइस ऑफ रफी RFCM के सर्वे सर्वा सुनील वाडकर, और उन्हें साथ देगी रिचा भटनागर। जोरदार तालियों में उनकी उनका स्वागत करते हैं दोस्तों, रिचा भटनागर और सुनील वाडकर। जाने वालों को म्यूजिशियन को मजा आता है और सुनने वाले को नाचने में मजा आता है। तो आज अगर आपका दिल चाहता है कि उठकर नाचो तो नाचिए, क्योंकि अपना ही प्रोग्राम है
और कलाकार भी अपने हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार मोहब्बत के लिए। तो चलिए दोस्तों, प्यार मोहब्बत की बात है तो एक शायर ने बहुत खूब लिखा है कि आशिक आंखों ही आंखों में बात समझ लेते हैं, सपनों में मिलने को मुलाकात समझ लेते हैं। आशिक आंखों ही आंखों में बात समझ लेते हैं, सपनों में मिलने को मुलाकात समझ लेते हैं। रोता है आसमां भी जमीन के लिए, रोता है आसमां भी जमीन के लिए, पागल है लोग उसे बरसात समझ लेते हैं, उसे बरसात समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तालियों की गूंज में फिल्म का नाम संगम और संगीतकार शंकर जयकिशन, और पेश करने बुलाना चाहूंगा वो भी है शंकर ही। जोरदार तालियों की गूंज में स्वागत करते हैं शंकर कामल। अगला गीत आशा जी की आवाज और पंचम दा का संगीत। दोस्तों आज वैलेंटाइन डे के दिन सुनते हैं इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे होती। दोस्तों स्टूडियो में एक बार आशा जी एचडी दा के संगीत निर्देशन में एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए आई थी, और उसी स्टूडियो में एचडी के साथ एक छोटा सा लड़का है। एचडी जी ने आशा जी से कहा ये मेरा लड़का है, इसका नाम पंचम तो नहीं है, राहुल है, पर हम इसे पंचम कहते हैं। आशा जी ने देखा एक छोटा सा लड़का, पतला सा, मोटा सा, चश्मा पहनकर, बालों में बहुत सारा तेल लगाकर, ऐसे उल्टे बाल
घुमाए हुए थे और आशा जी ने उससे पूछा कि क्या करते हो, तो उसने कहा मैं स्कूल में जाता हूँ, अगले साल मैं कॉलेज जाऊँगा। तो आशा जी की ऑटोग्राफ पहली मुलाकात में पंचमदा ने आशा जी की ऑटोग्राफ ली थी और उस कुछ दिन बाद एचडी दा को पंचमदा असिस्ट करने लगे और तभी आशा जी को पता चला कि पंचमदा ने कॉलेज छोड़ा है। तो आशा जी चिल्लाई और बोला, पंचमदा से बोली कि मैं आपका गाना नहीं गाऊंगी, एचडी दा आप ही इसका गाना गाइए। फिर कुछ दिन बाद दोनों की एक साथ काम करना शुरू हुआ और आशा जी पहचान जाती थी कि ये पंचमदा का संगीत है। दोस्तों फिर एक दिन पंचमदा ने आशा जी से पूछा, मैंने कॉलेज छोड़ा वो सही किया ना? तो आशा जी बोली, देखो कॉलेज ये नॉलेज की बात है, वैसे आपको बाकी का नॉलेज तो नहीं है पर गाना अच्छा बजाते हो, तो इसी से उन दोनों की शुरुआत हुई। दोस्तों अगली वोट पर बुलाना चाहूँगा श्रेया, जोरदार तालियों की गूंज में श्रेया का स्वागत करते हैं। Oh,
बहुत ही बढ़िया। श्रेय जी, आपने कहा ये लड़का हाय लड़का कैसा है दिया दीवाना, अगले गीत के लिए उसी दीवानों को बुलाना चाहूंगा एक दीवाने के लिए। तो ये दीवाना है दोस्तों आरएफसीएम का, जब भी शो होता है इनकी बहुत ही मदद होती है दोस्तों, इसीलिए आरएफसीएम की पूरी टीम की ओर से मैं उस कलाकार के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके सवालों का हम क्या जवाब दें, आज हमारे विनायक जी को क्या उपहार दें, आपके सवालों का हम क्या जवाब दें, आज हमारे विनायक जी को क्या उपहार दें, कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मंगवा दे, पर जो खुद गुलाब है उन्हें क्या गुलाब दे, जो खुद गुलाब है उन्हें क्या गुलाब दे। जोरदार तालियों की गूंज में विनायक जी। और गीत से पहले मैं सुनील जी से दरख्वास्त करता हूं कि मंच पर आइए और दो शब्द। मेरा आना जरूरी था स्टेज पे, जैसे हमारे राजेश जी ने बताया कि 10 स्मॉल 7 थिएटर्स कंसिस्टेंटली 8 इयर्स आरएफसीएम इज ऑफरिंग स्टेज टू थाउजेंड ऑफ सिंगर्स। यू गो टू माय प्रोफाइल यू विल फाइंड थाउजेंड ऑफ सिंगर्स परफॉर्मिंग ऑन आवर स्टेज, बट देयर इज नो ऑडियंस, देयर इज नो ऑडियंस। इस कॉन्टेस्ट में भी 103 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उनको हमने फ्रंट रो के 103 पासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, जिसकी कॉस्ट bookmyshow.com पे 500 रुपीज़ है। उसके बाद भी ये सारे सिंगर्स जो हैं उनको किसी के भी एफर्ट्स की कदर नहीं है, बट स्टिल विल कीप मूविंग। और ये जो ग्रैंड प्रोजेक्ट हमने बनाया है 2021 में वीटॉक मुंबई थिएटर्स आरएफसीएम इंडिया, आई एम हैप्पी आज का ये मेरा लॉन्चिंग शो है। और इसमें औरंगाबाद की एक लड़की है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सूरत से एक लड़का है, सूरत से एक लड़की भी है। उसके बाद नगर से एक शख्स जो सीनियर कैटेगरी में है, रत्नागिरी से एक लड़का है, और आगरा से एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, वो अपने डैडी की हेल्थ इश्यू की वजह से इस थिएटर तक नहीं पहुंच पाई। 8 साल की ये जो जर्नी है वो मुझे क्या सिखा रही है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसे प्रमोट कीजिए। जब लोग हमारे पास स्टेज ढूंढते ढूंढते आते हैं ना, मैंने देखा है मेरे ऑफिस में लोग रो के गए हैं कि हमें स्टेज नहीं मिल रहा है। जिस तरह से मुंबई थिएटर का मार्केट है, नए सिंगर्स को बिल्कुल कदम रखने की जगह नहीं है, और हम लोग लगातार फिर भी 8 साल से कोशिश कर रहे हैं, बट जिनके लिए कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स जो है वो पूरी तरह से जीरो है। उनको सिर्फ गाना गाना है, उनको दूसरे का गाना सुनना नहीं है, उनको चेयर अप करना नहीं है, जजेस का रिस्पेक्ट करना नहीं है, मेंटर्स के जो भी आपको गाइडलाइन दे रहे हैं उसको सुनना नहीं है, बस मुझे स्टेज चाहिए और मुझे गाना है, मैं बाकी कुछ नहीं चाहता हूँ। इस एटीट्यूड की वजह से मुंबई में सारे सिंगर्स धक्के खा रहे हैं। और आने वाला टाइम वी रॉक मुंबई थिएटर्स में यू विल फाइंड मेरा नेक्स्ट शो में दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह में हम लोग कर रहे हैं वॉइस ऑफ रफी 2021, और मैं वहां पे इंडिया से कम 20 अच्छी रफी वॉइस मुंबई के थिएटर में लॉन्च करने जा रहा हूं। आप लोग सपोर्ट करें या ना करें आपका वो चॉइस है, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो नहीं रुकेगी, और उसी दिन मुंबई के कलाकारों को हमारी कदर होगी जब किसी थिएटर में 25 के 25 या 30 के 30 सिंगर मुंबई के बाहर से आगे गाएंगे, जो आज हमने प्रूव कर दिया है। तो आप सब लोग इसे प्रमोट कीजिए जम के। आप मुझे मालूम है हर एक घर में आज कोई ना कोई म्यूजिक से रिलेट करता है, कोई कीबोर्ड सीख रहा है, कोई वोकल सीख रहा है, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम लोग मुंबई के एक एक थिएटर में अपना फ्लैग लगा रहे हैं, और दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली, दूसरा कोई प्लेटफॉर्म मुंबई में अवेलेबल नहीं है। मेरा 8 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस और स्टडी है, तो प्लीज प्रमोट दिस। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना मोबाइल का जो टॉर्च है वगैरह ऑन करें, जैसे ऑन हुए एक एक करके सारे ऑन हो जाए। मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह।
एक मैं और एक तू, दोनों मिले किस तरह, हाँ एक मैं और एक तू, दोनों मिले किस तरह, हे यार जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। जी ने कहा कि नए कलाकारों को थिएटर तो मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर ऑडियंस नहीं मिलता। लेकिन उनके हौसले के लिए एक बार जोरदार तालियों की गूंज दोस्तों, क्योंकि नए नए कलाकारों को, उभरते कलाकारों को वो तैयार कर रहे हैं दोस्तों। उनके हौसले के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जानता हूँ मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। जानता हूँ मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा जिंदगी में कभी, ये मैंने औरों से नहीं अपने आप से वादा किया है, आपने आपसे वादा किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी तालियों की गूंज में हमारा और एक कलाकार शकील नागवा। हेलो, आँखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ हो, लाखों है निगाह में जिंदगी के दाम में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है आँखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल, लट है किसी की जादू का जाल,
रंग डाले दिल पे किसी का जमाल, तो पाए निकाहे के रोकती है दाहे, तो पाए निकाहे के रोकती है दाहे, देखो ले ले के तीर कमाए, लाखो है सिदान में जिंदगी की रान में सनम हसीन जवान, होठो में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर गले में मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, गले में मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, और मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते और कभी कभी एक दूसरे को सह नहीं सकते। ऐसा एक पति अपने पत्नी से तंग आकर उसने भगवान से पूछा, भगवान ये लड़की ऐसी क्यों होती है, जब शादी के पहले गर्लफ्रेंड होती है तो कितनी रोमांटिक होती है और शादी के बाद इनका रोम रोम एंटिक हो जाता है। क्या बात, शादी वाले बहुत है आज। तो भगवान ने बोला कि अरे मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ लड़कियां बनाता हूँ, उसे पत्नी तो आप बनाते हैं। तो सर एक पति अपनी पत्नी के हर काम में हाथ बटाता था, लेकिन उसका हर काम पत्नी को पसंद नहीं आता था, हर काम में वो चिल्लाती थी। कभी वो मैदा बॉईल करता था, बोलती थी अरे इसे फ्राई करना था, कभी फ्राई करती थी तो बोलती थी अरे इसे उबालना था। एक दिन उसने दोनों किया, एक मैदे को फ्राई किया एक मैदे को उबाला, और दोनों पत्नी के सामने ऐसे रखे। पत्नी ने थोड़ी देर देखी और जोर से चिल्लाई, अरे मूर्ख आपको अकल कभी आएगी, जिसको फ्राई करना था उसे उबाला और जिसे उबालना था उसे फ्राई किया। तो चलिए दोस्तों इसी तालियों की गूंज में और एक कलाकार सारंग देओल। आए प्यार बरसाए,
शाम तक साए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हम बरसाए। बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, पहला प्यार पाने में अगर हम कामयाब रहे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और अगर पहला प्यार असफल रहा तो जिंदगी भर हम पहले प्यार का इंतजार करते हैं। ऐसे ही पहले प्यार के इंतजार में एक आशिक से भगवान ने कहा, मत कर इंतजार इतना, इस जन्म में उसका मिलना नामुमकिन है। आशिक ने कहा, लेने दे इंतजार का मजा, अगले जन्म तो मुमकिन है। भगवान ने कहा, मत कर इतना प्यार, बड़ा पछताएगा। आशिक बोला, देखने दे मुझे, तू भी कितना मुझे तड़पाएगा। फिर भगवान बोला, चल मेरे साथ तुझे जन्नत दिखाता हूँ, चल मेरे साथ तुझे जन्नत दिखाता हूँ। आशिक ने कहा, भगवान नीचे आ और देख मेरे माशूका का मुस्कुराता चेहरा, तुझे जन्नत भुलाता हूँ। फिर भगवान बोला, मत भूल अपनी औकात के तू एक इंसान है। भगवान ने कहा, मत भूल अपनी औकात के तू एक इंसान है। तो आशिक ने तुरंत कहा, तो मिला दे मुझे मेरे माशूका के साथ और साबित कर दे तू ही भगवान है, तू ही भगवान है, तू ही भगवान है। इसी तालियों की गूंज में स्वागत करते हैं अजय ठाकुर। हाल क्या है दिलों का न
न पूछो सनम आपका मुस्कुराना अजब खा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी उस पे मेरा तराना गजब ढा गया एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी उस पे मेरा तराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम पाबंदी की वजह से बुलाना चाहूंगा एक बार स्टेज पर राज कांबळे जोरदार तालियां कलाकारों को तालियों की मोटिवेशन होता है कलाकारों के लिए ढूंढ रहा है तू
जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता
तबा बहुत बढ़िया अजय जी, आपको पता था ये हमारे जो जज आज है सचिन जी, इनका ये पसंदीदा गीत है और हमारे सचिन जी भी ये गाना बहुत खूबसूरत गाते हैं। दोस्तों ये बात और है कि आज ऑडियंस कम है पर जो है वो सब धरती है और इसीलिए दोस्तों यस तालियों के लिए मैं यस बहुत ही बढ़िया शुक्रिया दोस्तों। तो आप जैसा ऑडियंस जब भी होता है तो बस कलाकारों से एक ही शेर मुझे याद आता है कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। हम सबके पास चाहे हो कितने भी गम पर आप सबके चेहरे पे सदा मुस्कान जरूरी है, सदा मुस्कान जरूरी है। तो चलिए स्वागत करते हैं सुनंदा पटनोरे। डांस के लिए तैयार रहिए, जो जो चाहते हैं कि आज नाचना है तो बहुत ही प्यारा सा गीत सुनंदा पटनोरे।
शुक्रिया। चलिए दोस्तों, एक बार एक तालियों की गूंज हम सब, अरे हाँ, हमारे सब म्यूजिशियन के लिए, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, अगला गीत दिल ही तो है फिल्म से, और जिसे अपनी आवाज़ से सवारा है आशा जी ने। दोस्तों, आशा जी जब 9 साल की थी तो उनके पिताजी का देहांत हुआ और घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। माँ भी बीमार रहती थी, बीमारी के कारण माँ एक कमरे में लेटी हुई थी, उसी कमरे में आशा जी कुछ काम कर रही थी। हालात के कारण आशा जी को रोना आया और रोते हुए लड़की को देखकर आशा जी के माँ ने गले से लगाया और कहा, अरे पगली तू रो रही है, अरे तू आने वाले ज़माने की राजकुमारी है और राजकुमारी कभी रोती है क्या? दोस्तों, उसी दिन आशा जी ने ठान लिया कि मैं एक राजकुमारी हूँ। आज इतनी उम्र होने के बाद भी अगर आशा जी की तस्वीर आपके सामने आएगी तो एक हंसता हुआ चेहरा हमारे नज़र के सामने आ जाता है। दोस्तों, इसलिए किसी ने कहा कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे मिल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे मिल जाएंगे। जोरदार तालियों की गूंज में सही जोश।
पाबंदी को देखकर, वक्त की पाबंदी को देखकर वंस मोर ना लिया जाए तो अच्छा है। सही जी, इतना बढ़िया गाया है ना, बहुत बढ़िया गाया है कि सब जन दिल में एक ही सही जब गाती है ना तो सामने वाले सुनने वाले कहते सही गाया है, क्योंकि उसका नाम ही सही है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा जजेस को कि सचिन सर आखिरी दो प्रतियोगी बाकी है, तो तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपने तालियों से स्वागत किया सही का, क्योंकि दोस्तों एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि कंपटीशन में यही होता है कि दूसरे कलाकार को ताली बजाने में कोई कुछ कंजूसी होती है, पर दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आज आप दूसरों के लिए तालियाँ बजाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया आपके लिए तालियाँ बजाएगी। तो चलिए दोस्तों, केतन झरीवाल। करेंगे लेकिन ऐसे म्यूजिशियन कभी नहीं मिलेंगे, इसके लिए जोरदार जोरदार, ये पूरी टीम के हमारे कैप्टन हैं
नंदू केरकर, उनके लिए जोरदार जोरदार तालियों की गूंज। थोड़ा वक्त की पाबंदी के वजह से सबका नाम लेना यहाँ आसान नहीं है, तो सबके लिए एक बार जोरदार जोरदार तालियों की गूंज। हमारे स्वयं साउंड ऑपरेटर साई साउंड, उनके लिए भी तालियों की गूंज। और दोस्तों, जो सभी कंटेस्टेंट है उनसे विनती है, ये आखिरी प्रतियोगी है, आखिरी गीत होगा इस फाइनल का। और इस गीत के बाद सभी कंटेस्टेंट है, जब गीत शुरू होगा तो कंटेस्टेंट को विंग में आना है। ओके, तो चलिए जोरदार तालियों की गूंज में स्वागत करते हैं प्रिया पुरोहित। कंटेस्टेंट को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर शान से। और सचिन सर तैयार है, रिजल्ट उनके हाथ में, धड़कन बढ़ रही है। और जब भी विनायक सर गाते हैं तो सभी जो दर्शक रहते हैं वो कहते हैं चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। तो जोरदार तालियों की गूंज में स्वागत करते हैं विनायक सर। और वो गीत चलने तक सचिन सर मैं डायस पर बुलाऊंगा आपको, रिजल्ट थोड़ी देर में आपके सामने होगा।
लिए, साथ मिलेगा सबके लिए, सबके लिए। मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा खड़े हैं होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे सकते सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। चोरी छुपे प्यार कभी होना चाहिए, रुक हो जवा फिर तो हमें होना चाहिए। चोरी छुपे प्यार कभी होना चाहिए, रुक हो जवा फिर तो हमें होना चाहिए। काली कलकत्ते वाली मेरा वचन जाए खाली, और बच लो और बजाओ ताली। कहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, वो जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, क्लासिकल सिंगर है, संगीत में जिन्होंने एमए किया है और बहुत ही क्लासिकल अच्छा गाते हैं, उनकी खासियत है क्लासिकल ही गाना। तो जोरदार तालियों की गूंज में स्वागत करते हैं सचिन मोरे, जोरदार तालियां। सचिन जी ने कहा मुझे माइक पर गाना आता है पर बोलना थोड़ा कम आता है, तो उन्होंने रिजल्ट मेरे हाथ में दिया है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, चार एज ग्रुप में ये कंपटीशन हुआ था आज ग्रैंड फिनाले में, उसी तरह विनर मैं अनाउंस करूंगा। 0 से 5 ग्रुप, देखो छोटे बच्चे नाराज मत होना, ओके ये शुरुआत है और हम सभी एक साथ है, सुनील जी भी साथ है, सभी म्यूजिशियन हमारे साथ है, विनायक जी साथ है कहीं ना कहीं। तो इसी शुरुआत में आज 0 to 15 विनर है सई जोशी, जोरदार तालियां सई के लिए। दूसरा ग्रुप 16 से 25 जिनका सरनेम है कांबले,
नाम तो सुनिए, राज कांबळे, जोरदार तालियां राज के लिए। और 26 से 50 की आयु में केतन जरीवाला, क्या बात है, केतन के साथ आज बहुत सारे लोग हैं। और लास्ट ग्रुप यानी 50 ऑनवर्ड्स, मैं तो समझता हूँ 50 के ऊपर गाना गाना ये भी उनके लिए बहुत एक विनर ही है, सब अपने आप में एक विनर है, फिर भी ट्रॉफी तो देना है। 50 ऑनवर्ड्स अजय ठाकुर, चारों विनर्स के लिए RFCM के एडॉल 2021, जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए, चारों विनर्स एक कदम आगे आइए RFCM और सभी। यस सर, कैसे लग रहा है? देखिए आप भारत देश में किधर भी गाओ लेकिन मुंबई में गाने का मजा अलग है। कितने लोग एग्री होते हैं? वी रॉक मुंबई थिएटर्स सिंगल पोस्ट पे मैं थिएटर हाउसफुल चाहता हूँ, और अगले 5 साल का मेरा टारगेट है कि मुंबई के हर एक थिएटर में हमें हाउसफुल शो करना है। ठीक है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। सारे चेहरे मैंने पढ़ लिए हैं, कितने लोगों ने गर्दन हिलाई है। तो राजेश जी, पहले राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये खुद एक वॉइस कोच है और उनके कार्यशाला भी चलती है, और ऐसे एक प्रोग्राम में हम लोग मिले, पता नहीं मतलब वो जब वेवलेंथ मिलती है तो लोग जुड़ते हैं। और सचिन जी सर आप आ गए, तो देखा भी नहीं था, आज पहली बार ही देखा डायरेक्ट जज की सीट में, लेकिन क्या होता है वही होता है, जब वेवलेंथ मिलती है तो रिजल्ट निकलता है। थैंक यू सो मच राजेश जी। और अभी जो ट्रॉफी देने का जो सिलसिला है, राजेश जी प्लीज़ आप ही उसे हैंडल कीजिए। चलो सबसे पहले छोटा ग्रुप 0 से 15, ये 0 से 15 इसके बारे में थोड़ा सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे। हेलो, हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सीरियस टॉपिक है, लास्ट मीटिंग जो हमारी हुई, जो हमारी कोर टीम है 2022 में, ऐसा शायद हो सकता है कि RFCM की टीम सिर्फ एज ग्रुप 30 तक ही काम करे, क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस ये बताता है कि 30 प्लस के बाद जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन जिंदगी में इतने फंसे हुए हैं कि वो चाह के भी सिंगर नहीं बन सकते, वो उतना टाइम नहीं दे सकते। तो कम से कम ये जो यंग जनरेशन है जिनको पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ सपने देखने हैं, इनको हम लोग प्रॉपरली मोल्ड कर सकते हैं टूवर्ड्स देयर कैरियर इन सिंगिंग। तो शायद ऐसा हो कि RFCM में 30 प्लस के एडमिशंस 2022 से बंद हो, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ न्यू जनरेशन के लिए चले और हमारे इंडस्ट्री को अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ से मिले। तो आप सब लोग इसे सपोर्ट कीजिए, और बाकी एज ग्रुप को चाहिए तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया, मेहनत के सिवा कोई फल नहीं होता है इसके लिए दोस्तों। 0 to 15 विनर है सई जोशी, और मैं विनायक सर से विनती करूंगा सई का सम्मान करें। और बस आप सब साक्षीदार है इस वक्त के, आपको बस तालियां ही बजाने हैं। सही सही सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत जोरदार तालियों। और कुछ मेरे ख्याल से 3 साल पहले हो, ज़्यादा नहीं होंगे, एक शो में हम लोग मिले थे। हालांकि इसके फादर, मुझे बाद में पता चला कि इसके फादर मेरे दोस्त थे, क्योंकि उनके साथ में आई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक गाना उसको स्टेज पे गवाए। तब उसका गाना सुन के मैंने बोला था कि लिटिल चैंप्स का ज़माना है, उसको बिल्कुल कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले, ये ज़रूर नाम कमाएगी। आज ये मेरे सामने मेरे हाथ से ही प्राइज ले रही है। सो गुड, सो गुड, गॉड ब्लेस। यस यस, एक तालियों की गूंज हमारे फोटोग्राफर जी के लिए भी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनकी वजह से यादें ताज़ा तरोताज़ा होती है। राज जी आज घर से ठान के आए थे आज फर्स्ट नंबर मिलेगा करके, कुछ नहीं राज, मैं सुनील सर से विनती करता हूँ कि राज कांबळे जी का सम्मान करें ट्रॉफी देकर।
और 26 से 50 की आयु में केतन जरीवाला। सचिन सर से विनती है कि केतन जी का सम्मान करें। और 50 ऑनवर्ड्स अजय ठाकुर, इनका सम्मान करने के लिए मैं रंगमंच पर बुलाना चाहूंगा श्रेया बनगे, जो RFCM के को फाउंडर है। श्रेया जी अजय जी का सम्मान कर रही है। अजय जी आज ठान के आए थे, एक गिफ्ट हैम्पर है जो हमारे वेलविशर है राजकमल हैंडलूम हाउस सेक्टर 17 वाशी, उन्होंने अपने सारे विनर्स के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, तो मैं वो क्या देना चाहूँगा सबको। बहुत ही बढ़िया, तो ये मेरा फेवरेट कलर है, आपको दे रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि कुछ पहले हमारे साउंड इंजीनियर हमारे अजय सिंह जी के लिए भी हो जाए, क्योंकि इनके बगैर इनकी आवाज़ नहीं हो सकती। पीछे म्यूजिशियंस भी जितने हैं, कमाल के म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। नंदू कैरकर जी की टीम है, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ, अच्छा, हमारे मेंटर जज प्लीज आप आइए, आपका भी तो सम्मान होना चाहिए। वक्त तो नहीं है, बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो अपने जो मेन है। विनायक सर आपके हाथों से। और किसी का अगर मान सम्मान रह गया हो तो मुझे माफ़ कीजिए, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी जोश से मिलते रहेंगे अलग अलग थिएटर्स में, पूरे मुंबई में, और मुंबई के सारे थिएटर्स कवर करने के बाद पूरे इंडिया में। बहुत ही बढ़िया, तो विनर्स का बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा सबको। और जो आज यहाँ से कुछ मतलब विनर नहीं है, उनके लिए और सबके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सचती रहे खुशियों की महफिल, हर महफिल खुशी से सुहानी बनी रहे, आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हो कि खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे, खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे। विनायक सर भी हमारे मतलब कोई भी गाड़ी चलती है तो दो पहिए की जरूरत होती है, एक पहिया यहाँ पे RFCM का। सुनील सर है और दूसरे पहिए की साथ होती है विनायक सर की। और हमारे आज के म्यूजिक अरेंजर और हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, बहुत डांटते भी है रिहर्सल में, तो सॉलिड भी बोलते हैं, तो नंदू केरकर जी आप भी आइए। और सचिन सर प्लीज आप उनका सम्मान। हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए नंदू सर और टीम में तो सारे यंगस्टर्स हैं। थैंक यू सर। और राजेश जी आपका भी सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल में नहीं आप आइए। अरे यार, जब सोच बड़ी हो तो सुनील सर के लिए वो एक डायलॉग आ रहा है ध्यान में अभी अभी, मतलब अकेला ही चल रहा था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, ऐसे ही मैं ये फैमिली में आया हूँ। राजेश जी का सम्मान कर रही है हमारे रिचा भटनागर, चीफ प्रमोटर RFCM, साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, बट स्टडी के बाद जितना भी टाइम बचता है वो RFCM के प्रमोशन में लगे रहते हैं। और अजय जी आप आइए स्टेज पे। हाँ, आप इतना हमारी आवाज़ पूरे इंडिया में आप पहुंचा रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से सारे वीडियोस अभी प्रमोट होंगे, यहाँ ऑडियंस नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास 130 करोड़ जनता है, सारे लोग यूट्यूब के जितने भी वीडियोज आपको मिलेंगे उसको जम के प्रमोट कीजिए, ठीक है ना, नेवर गिव अप। यहाँ के ऑडियंस को काउंट नहीं कीजिए, यूट्यूब पे 130 करोड़ है, सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो, बाकी का पता नहीं।
साउंड इंजीनियर का सम्मान हो रहा है और तालियों की गूंज होनी चाहिए क्योंकि हमारी आवाज़ आप तक इतनी अच्छी तरह से पहुंचाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अच्छा, दो ट्रॉफी है मेरे पास, वो मैंने ऑडिशन में अनाउंस की थी। वो ट्रॉफी इसके लिए है क्योंकि RFCM के हिस्ट्री में पहली बार 100 क्रॉस नंबर हुए थे कंटेस्टेंट के, लॉकडाउन होने के बावजूद, और फर्स्ट टाइम इतनी सारी एंट्रीज मुंबई के बाहर से भी आई है। तो जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है जिन्होंने हमारा फॉर्म भरा था उनको हम एक मोमेंटो दे रहे हैं। क्या बात? तो वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन था सतीश गुणी। क्या बात है, तो ये सरप्राइज मोमेंटो है आपके लिए। आणि 100वा सही का भी ये सम्मान है कि सही के हाथ से एक ट्रॉफी दी जा रही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और जो 100 रजिस्ट्रेशन था RFCM आइडल 2021 का, वो थी अवंतिका पेड़गांवकर, तो वो शायद आई नहीं है यहाँ पे, तो उनकी ट्रॉफी हम उनको बाद में डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच राजेश जी, प्लीज एंड द सेशन। तो चलिए, ये कारवा यहाँ शुरू हुआ है, वो ख़त्म होने वाला नहीं कभी भी और कहीं भी। तो अगला कंपटीशन आपको पता ही है, RFCM वॉइस ऑफ रफ़ी 2021। तो तैयार रहिए, ग्रैंड फिनाले दीनानाथ मंगेशकर हॉल पर। तो चलिए फिर से कुछ दिन बाद मिलते हैं, ऐसी शाम ऐसी रंगीन और आपके साथ। तो तैयारी करिए, और शायद आज नहीं तो वहाँ पे विनर होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये ग्रैंड फिनाले यही समाप्त होता है, ये मैं कहना चाहूँगा। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.